नवम अधिकरण अवशूद्र अधिकरण में सिद्धांत भाष्य चल रहा है। यहाँ शास्त्रीय अधिकार के विषय में विचार है। शास्त्रीय अधिकार एक विशेष होता है, वो किसको प्राप्त है वही अधिकृत होते हैं, जिसको प्राप्त नहीं है वो अधिकृत नहीं है। शास्त्रीय कार्य इसमें पूर्व पक्ष यही हुआ था कि अर्थित्वादि होने से जैसे अन्य वर्णों को वेद में अधिकार है, वेदोक्त विद्याओं में अधिकार है, उसी प्रकार चतुर्थ वर्ण को भी वेदोक्त विद्या में अधिकार है, ये कहा। इसके लिए लिंग प्रमाण आदि दिए थे। इस पर भाष्यकार ने कहा कि शास्त्रीय अधिकार में विशेष होने से शास्त्र संबंधी नियम के अनुसार यह अधिकार होगा। जिसको उपनयनादि शास्त्र प्राप्त नहीं है उसके लिए वेदाध्ययन संभव नहीं है, वेदाध्ययन नहीं होने से वेदोक्त कर्मों में अधिकार नहीं होता। तो यही यहां विचार है। तो उसमें जो चार हेतु पर विचार आरंभ हुआ था, अर्थित्व, सामर्थ्य, अपरिदस्तत्व, उपनयनादि शास्त्र, चारों को लेकर के शास्त्र प्रवृत्त होता है। इसमें अर्थित्व तो सर्वसामान्य है, सबको हो सकता है, कोई भी कोई विषय को जान सकता है। सामर्थ्य दो प्रकार के होते हैं, कल भाष्यकार ने सूचित किया, लौकिक सामर्थ्य और शास्त्रीय सामर्थ्य। लौकिक सामर्थ्य सामान्य रूप से हो सकता है, ऐसा होने पर भी शास्त्रीय सामर्थ्य नहीं होने की स्थिति में शास्त्र संबंधी कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए जो अधिकार का विषय है वो कर्मकांड में जैसा निश्चय किया, पूर्व मीमांसा में षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में जो जो विचार आए हैं उसी के अनुसार होगा, वही न्याय यहां भी लगेगा, क्योंकि ये व्यावहारिक कार्य के विषय में है। तो व्यवहार में कर्मकांड में जो कहा गया वही हमारे लिए प्रमाण होता है। व्यवहार में हमारे लिए कोई अलग व्यवस्था की स्थापना नहीं है, जो व्यवस्था विधायी शास्त्र है उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है, निर्णय किया जाता है। अब इस पर श्रुति प्रमाण को लेकर के लिंग प्रमाण के तौर पर पूर्व पक्षी ने एक प्रमाण दिया था जो छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के प्रथम खंड में जो विचार आया, ज्ञान श्रुति पौत्रायण का और रायको का संवाद। तो शुश्रुषु ज्ञान श्रुति रायको के पास पहुंचता है तो रायको ज्ञान श्रुति को शूद्र करके संबोधन करता है। पूर्व पक्षी ने तर्क दिया, जैसे देवताओं का ऋषियों का नाम आने से उन नाम के आधार पर आपने देवता और ऋषियों के लिए जिनको वेद में अधिकार नहीं था, वेदोक्त कर्मों में अधिकार नहीं था, उनके लिए विशेष प्रावधान करके आपने ब्रह्म विद्या में अधिकार कराया, मानी शुद्ध ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार है, वासना आदि में भी नहीं है, शुद्ध ब्रह्म विद्या में अधिकार, ऋषियों का भी अधिकार, ऐसा किया था। वो केवल नाम को लेके विचार किया, इसी प्रकार यहां भी नाम ग्रहण आ गया है, इसके लिए उसका ऐसा ही निर्णय यहां भी होना चाहिए। उसके उत्तर में कहा, ये जो नाम ग्रहण का अर्थ रूढ़ अर्थ नहीं लेते हुए यहाँ यौगिक अर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि रूढ़ अर्थ के साथ अनेक लिंग प्रमाणों का विरोध होता, विरोध होने पर यहां
यौगिक अर्थ लेकर के, यानी जो प्रगति प्रत्यय आदि से जो अर्थ निकलता है उसी को लेकर के निर्णय लेना चाहिए। अथवा आपको यदि बहुत आग्रह है तो एक सामान्य दृष्टि से भाष्यकार ने भी बोला कि शब्द को लेकर के यदि आप बहुत कहते हैं तो केवल संवर्ग विद्या में उनका अधिकार मान लिया जाए, जैसे रथकार अधिकरण में प्रसाधस्थ पति अधिकरण में निर्णय लिया, उनका नाम आने से उस विशेष कर्म को उनके लिए अधिकृत ऐसा माना गया, वो उसके लिए अधिकृत ऐसे माने गए। इसी प्रकार यहाँ भी नाम ग्रहण आ गया तो वैसा कर सकता है। यही कहा कि कामम चायम शूद्र शब्द संवर्ग विद्यायामेव एकस्याम शूद्रम अधिकुंडा, उसमें मात्र उसी के लिए अधिकार मान लिया था, किंतु वो भी नहीं बैठेगा, यही विचार चल रहा था, वो भी नहीं बैठेगा क्योंकि अर्थवाद तत्व तो न क्वचिदप्ययम शूद्र शब्दम अधिक अर्थम सकते। ये जो शूद्र शब्द है अर्थवाद में आया हुआ है, अर्थवाद का स्वतः प्रमाण नहीं होता, अर्थवाद को पहले अधिकरण में निश्चय किया कि अर्थवाद में अनुवाद और संवाद नहीं होने पर, बुद्धार्थवाद के विषय में अन्य कोई विरोध नहीं रहने पर उसको प्रमाण मानते हैं, स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं, स्वतंत्र अन्वय करके उसका अर्थ माना जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ को केवल मात्र एक संबोधन है, तो संबोधन में अनेक अभिप्राय से संबोधन होता है, संबोधन से कोई अर्थ का निर्णय नहीं होता, जिस समय व्यक्ति का जैसा भाव है उस प्रकार से संबोधन होता है, इसलिए ये एक विशेष भाव को प्रकट करता है, वहां का प्रकरण देखने पर भी ऐसा मालूम पड़ता है। तो शक्यते चायम शूद्र शब्दो अधिकृत विषयो योजयितुम, शूद्र शब्द का अर्थ एक अधिकृत विषय कर सकता है, आगे पीछे के वाक्य का विचार करने पर, प्रकरण को विचार करने पर, उस प्रकरण के साथ अविरोध रखने वाले अन्य प्रकरण की सहायता से हम ये शूद्र शब्द का अर्थ अधिकृत में जोड़ सकते हैं, यानी यहाँ क्षत्रिय आदि में जोड़ सकते हैं, जो राजा है सकता है। कथम इत्युच्यते दे, कैसे जोड़ सकते हैं इसके लिए कहते हैं, संवरायेन मे दत्संतं सयुग्वानमिव रैक्वमाद्ध, ये वहां की कथा है, एक हंस पक्षी दूसरे हंस पक्षी से ये बात करता, कंबरा करके वो आपस में संबोधन कर रहे हैं। एनम एदत संतम, ये पक्षी वो ज्ञान श्रुति पौत्रायण के बारे में बहुत कुछ स्तुति कर रही थी, उसको सुनकर के दूसरे पक्षी कहती है कि ये इतना कोई बड़ा नहीं है, ज्ञान श्रुति पौत्रायण की इतनी कोई महिमा नहीं है जितने यो सयुग्वान रैको का है। सयुग्वान रैको का ऐसा है कि एक पासे के जीतने से सारा जीता जाता है, या दस के जीतने से सभी कुछ जीता जाता है, ऐसे है वो। तो पौत्रायण को ये सुनकर के दुख आ गया, ये आगे बोलना चाहते हैं, तो सयुग्वान अभी रैको, यानी बैलगाड़ी के साथ जो रहता उसका कोई और एड्रेस पता नहीं है, उसके यही है कि वो बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी के नीचे रहता, बैलगाड़ी के ऊपर कुछ घास भूस लगा करके झोपड़ी जैसा बना करके उसके नीचे रह रहा था, इसके लिए उसको सयुग ब्राह्मण राइट को बोल दे रहा है, उसका नाम। इसी अस्माद हंस वाक्याद आत्मनो अनादरम श्रुतवत, इस हंस पक्षी के वाक्य से अपने अनादर सुनकर के, वो हंस पक्षी ने ज्ञान श्रुति को अनादर किया, यानी नीचे दिखा करके बात की कि ज्ञान श्रुति का कुछ नहीं है, वो सयुग्वा रैक्वा को सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा कहा, सारे पुण्य उसके पास है, ये जितने कर्म करते हैं सारे पुण्य उसके पास, इतने बड़े तपस्वी है, ज्ञानी है, ऐसा करके तो सयुग्वान हंस वाक्याद आत्मनो अनादरम श्रुतवत, आत्मा के अनादर सुना, सुनने के बाद में ज्ञान श्रुते पौत्रायण से शुभ उत्पेदे, अब वो सूत्र में पहुंच गया, सूत्र का अर्थ में तो ज्ञान श्रुति जो पौत्रायण है उनको शोक उत्पन्न हो गया, शोक उत्पन्न हो गया,
श्लोक उत्पन्न होने से ताम ऋषि शूद्र शब्देन सूजयाम बभूव, तो ऐसे वो जो शोक उत्पन्न हो गया शोक के कारण उनके अंदर एक प्रकार के अमर्ष उत्पन्न हो गया, ग्लानी आ गई कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं बहुत कुछ दान करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मेरे को ऐसा छोटा क्यों दिखाया, इसका मतलब उसके पास और बहुत बड़ा कुछ है तो उसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसे उनके मन में शोक आ गया। उस शोक को समझते हुए ऋषि ने शूद्र शब्द का प्रयोग किया, तो ताम ऋषि रैक्वहा शूद्र शब्देन अनेना सूचया बभूवा, ये संबोधन के द्वारा सूचित किया, तुम तो अपने अपमान सुनकर के व्यथा से मेरे पास आए हो, ऐसे सूचना दी। ये जिज्ञासा सही ढंग से उत्पन्न हो गई ये बात नहीं है, वो अभिमान में चोट पहुंच गया तो वो चोट को लेके तुम इस भाव में मेरे पास आए हो, ऐसी सूचना देते हुए उन्होंने शूद्र शब्द का प्रयोग किया। आत्मनः परोक्षज्ञता शापनायै यम्यते, ऐसा क्यों किया होगा ऋषि ने, क्योंकि स्वयं परोक्षज्ञता है, यानी जो परोक्ष में उसके अंदर मन में जो भाव है वो भाव को ऋषि समझते हैं, इसके ख्यापन करने के लिए ऋषि ने ऐसे संबोधन किया। जाति सूत्रस्य अनधिकारा, क्यों ऐसा मानना चाहिए, हेतु यही है, शास्त्रीय विधान है, यहाँ शास्त्रीय विधान में जाति सूत्र को अनधिकार है, वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, भाष्यकार ने पहले भी हेतु दी, वर्ण व्यवस्था के अंदर जो व्यवस्था दी गई है वो व्यवस्था शास्त्र को प्रमाण मान करके जाति सूत्र को वेद में वेदाध्ययन करने में वेदोक्त कार्य करने में अधिकार नहीं माना गया, इसके कारण यहाँ भी नहीं हो सके। कथम पुनः सूत्र शब्देन सुगुत्पन्ना सूच्यदैति, ये आपको कैसे मालूम हुआ कि आपने शूद्र शब्द का अर्थ शोक में कैसे कर दिया, सुगुत्पन्ना माने शोक उत्पन्न हो गए इस प्रकार आपने कैसे कर दिया, का अर्थ शोक है, तो कथम पुनः शूद्र शब्देन सुगुत्पन्ना सूच्यदैति, सूच्यदे उसका हेतु देते हैं सूत्र में आग सुगस्य तदनादर श्रवण, तो अनादर करने के लिए वो आदर नहीं देता, तो अनादर रूप से वो प्रयोग किया, क्योंकि आगे उससे आलू बढ़ा कि तदा द्रवणात, तो शोक से मारे वो भागा है द्रौपदी के पास, तो शोक से मारे भागने के कारण उसको देख करके ही राइट को समझ गया था कि वो शोक से आया, कि असली कोई जिज्ञासा से नहीं आया कि मैं ये विद्या को प्राप्त करूं, ऐसे नहीं आया, और राइको के बारे में बहुत कुछ सुना और अपना अपमान भी वो हम सब पक्षी से सुना, तो उससे उनको शोक उत्पन्न हो गया, तो तदा द्रवणा ऐसे उसके पास दौड़िए, उनके पास चलेंगे, तो ये वहां है, तो वहां की कथा थोड़ी सी यहाँ जाननी चाहिए, क्योंकि टीका में भी इसका कुछ विचार करेंगे, तो वो संक्षेप में वो कथा वहां क्या हुई है। ये छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के प्रथम खंड है, उसमें संवर्ग विद्या है, संवर्ग विद्या इस विद्या का नाम है क्योंकि वायु भाव संवर्ग आगे मंत्र आता है उसको लेकर इस विद्या का नाम, तो वहां इस संवर्ग विद्या के स्थिति के लिए एक अर्थवाद वाक्य अर्थवाद आया कथा आई, तो ज्ञानश्रुति नाम के राजा है, ज्ञानश्रुति पौत्रायण, अब ये राजा है आगे सिद्ध करेंगे, ज्ञानश्रुति नाम है पौत्रायण है, ये कुल नाम है, श्रद्धा देयो बहुपापदायी बहुपाक्य आशा, वो श्रद्धा से दान देने वाले थे और बहुदायी बहुत दान देते थे, जो कुछ है बहुत दान दिया करते थे, बहुत दानी थे, बहुपाक्य बहुत पकाया करते, यानी अन्नदान भी और अन्य प्रकार के दान भी बहुत देते थे, वो सब श्रद्धा से देते, बिल्कुल शास्त्र भी,
तो ऐसे राजा थे और उनकी महिमा सब जगह फैली हुई थी कि राजा ये सब कर रहे हैं। तो जो भी अन्न चाहिए उनके पास जाते थे, जिसको जो चाहिए राजा के पास चले जाते थे, तो सब कुछ उनको मिल जाता था। तो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो परार्थ के लिए, क्योंकि ये जो इष्टापूर्त कर्म है तो पूर्त कर्म की दृष्टि से उन्होंने इसका आदर करते। अब उनकी बहुत महिमा थी। अब इनके अंदर जो अभिमान है, इतने करते हुए भी जो अभिमान हो गया था, उस अभिमान को नष्ट करने के लिए और उस स्थिति से उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ उद्देश्य से ऋषियों ने हंस के रूप धारण करके, हंस बन करके आए। तो वहां हंस के रूप धारण करने के लिए हेतु भाष्यकार स्वयं कहते हैं, ऋषयो देवता वा राज्यः अन्नदान गुणैः स्तोषिता। ये हंस ऐसे हंस नहीं है, ये ऋषिया है अथवा देवता, उनके अंदर अनेक रूप धारण करने की शक्ति है। तो हंस बन करके आ गए। आकर के जहाँ राजा खड़े थे, यानी राजा शाम के समय में अपने महल के ऊपर ठहल रहे थे, गर्मी के समय में बाहर ठहल रहे, तो जैसा राजा को सुनाई पड़े इस प्रकार से हंस ऊपर से बात करते चले गए। एक ने जब ज्ञानस्मृति पौत्रायण की स्तुति की, दूसरे ने कहा कि ज्ञानस्मृति पौत्रायण का कुछ नहीं है, ऐसे करके उनके निंदा। तो तमुह पर प्रत्युवाजा, यही वाक्य अभी आया, कंबर येन मेदत संतगुम सयुग्वान तो ये रायको के सामने ये राजा की महिमा क्या है, कुछ नहीं है, कहा ऐसे कहा। तो वो दूसरी पक्षी पूछती है कि वो कैसा है, वो सयुग्वा रायको राजा से बहुत बड़ी महिमा रखने वाले रायको, कैसा उसकी क्या महिमा, तब आगे वाक्य आता है, यथाकृताया विजिताया अथरेया संयंदी एवमेन गुम सर्वं तदभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यस्तवेद समया एतदुक्तः इति। ऐसे हंस पक्षी ने कहा कि जैसे चतुरंग का खेल है, चतुरंग में कृता नाम के जो चतुरंग है उसको जीत लेने पर बाकी सब कुछ जीता होता है। वो चार प्रकार के वहां बादशाह होते हैं, चार युग को लेकर, तो ये चतुरंग में कृता को जीतने पर सब कुछ जीता हुआ होता है, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा अंक मिलता है। ऐसे ही इसकी महिमा है, जितने भी प्रजा जितने भी ये लोग पुण्य कर्म करते हैं उसका सब फल उन्हीं में जाके समा जाता है, सब फल वही साथ में उनको एक साथ मिल जाते, सारे पुण्य का वो एकमात्र रूप है, एक रूप है, यानी वो पुण्य को पुंच बना दिया जाए तो वही पुण्य का पुंच हो जाए, ऐसे ऐसे करके उन्होंने महिमा बताई। अब ये ज्ञान श्रुति पौत्रायण ने इसका श्रवण किया, ये जो बात कर रहे थे, तो वो जो है दुखी हो गया, अब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, ये पक्ष बता रहे, ऐसे करके उनको मन में दुख आ गया। तो रात को जाके सो गए, अब रात को कुछ नहीं किया, सुबह उठते ही सुबह जैसे जग गया, संजीहान एवा मन शयन से उठते ही शयन कक्ष को परित्याग करते ही छत्तारवाच अपने स्तुति करने वाले सारथी आदि को बुलाए, बुला करके उनको कहे अंगारेहा सयुग्वान रैक्व माथय, ये जो सयुग्वा रैक्व है उनके बारे में पता लगाओ, सयुग्वान माथा मेरे संबंध में सयुग्वा के साथ तुलना हो रही है, तो वो सयुग्वा कौन है, योनु कथकुम सयुग्व रैक्व, वो रैक्व क्या है कैसा है पता लेवा, वो पक्षियों ने मेरे साथ तुलना की, मेरे को नीचे दिखाया और सयुग्वा रैक्व को बहुत बड़ा बताया, सारी कथा बताई उन्होंने, उनको समझाया जाकर के सयुग्वा रैक्व को ढूंढ के लाओ, कहाँ है क्या है वो पता लगा, ऐसा करके उनको भेज दिया। फिर लक्ष्मण भी ये सब बता दिया। अब वो सहर छत्ता अन्विष्य, वो जो सेवक है वो ढूंढने गए, ढूंढते ढूंढते बहुत जगह ढूंढा, ना विदमिदी प्रत्यय आया,
वो कुछ नहीं पता लगा, ढूंढा तो मिला नहीं, ऐसा करके वो वापस आके राजा को बोल दिया मिला नहीं ऐसा। फिर राजा गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर बोला कि अब जिसको जहाँ ढूंढना चाहिए वहां ढूंढना चाहिए, तुमने कहाँ जाके कोई घर में ढूंढने से थोड़ी मिलने वाला, वो ऐसे मिलने वाले नहीं, ये तो कोई सिद्ध है, वो ऐसी जगह पे बैठे होंगे, कोई नदी पुल में, कोई जंगल में, कोई स्मशान में, ऐसे जगह पे कहीं बैठे होंगे, आप गांव में नहर में जाकर घर में ढूंढने से काम नहीं। बोल दिया तुम हो आजा यत्रारे ब्राह्मण से अन्वेषणा तदेन आच्छी। देखो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ऐसे ब्राह्मण जहाँ रहते हैं ऐसी जगह पे जाकर ढूंढना पड़ेगा, तो दिखते हैं वैसे स्थिति है, एकांत स्थान में, अरण्य में, नदी पुलिन में, ऐसे जगह पे वो रहते हैं, वहां जाके ढूंढो तब मिलेगा, तुम्हारे सामने ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो उनको डांट करके दोबारा भेज दिया, वो ढूंढ गया, फिर जैसा राजा ने आदेश दिया उस प्रकार और जगह ढूंढते ढूंढते अंत में एक जगह जाके पता लगाया, किसी ने कहा वो वहाँ एक बैलगाड़ी के नीचे एक आदमी रहता है, ऐसा करके किसी ने संदेश दिया होगा, वो जाके पता लगा, वो जाके देखा तो उनको ऐसा दिखाई पड़ा, वो बता रहा सो अधस्ता छगणस्य पामानं कषमाणं उपविवेश। वो जाके देखा तो बैलगाड़ी के नीचे अधस्ता छगणस्य, छगण मतलब बैलगाड़ी है, उसके नीचे बैठा हुआ, और कैसा बैठा हुआ, कोई इंसान सुनकर के आग बंद करके ध्यान नहीं कर रहा था, पापमानम कषमाणम, वो खुजली करता हुआ बैठा हुआ, मतलब हाथ पर ऐसे कुजलता हुआ, और मिट्टी में वहां बैठा हुआ खुजली वाला कुछ होता है, वो खुजली खुजली करता हुआ बैठा हुआ, मतलब उस प्रकार के अवधूत कुछ स्थिति में बैठा हुआ था, कोई बहुत बड़े मतलब शुद्ध रूप में जैसा आपको सामान्य दिखाई देते ऐसा नहीं था, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये कहा पापमानम कषमाणम उपवेश, करता हुआ बैठा हुआ। अब ये उसके पास गया ये सेवक, राजा के सेवक जाके पूछा कि तुम हो अभिवाद, आकर के अभिवादन करके पूछा तुम नु भगवा संयुक्त राय को है थी? क्या आप ही हो संयुक्त राय को, आपका नाम है क्या, आप ही हो, थोड़ा पता लगाना पड़ेगा राजा को, फिर जाकर के गलत तो बता नहीं सकता, पक्का करना चाहिए ना, उनको जाके पूछा, वो बोलता है अहम घरे ये जो है ठीक है हम ही है, तो बड़ा जो है इतने ही हो, कोई आदर सम्मान कुछ नहीं किया उनको, ऐसे बता उनके बातचीत से पता चलता है उनका जो क्या वो भाव है, बोले ठीक है आप हम ही है, इस फिर वो हो गया सह क्षत्ता अभिदमिति प्रत्यय आया, वो खुश हो गया, वो हमने पता लगाया राजा का आदेश का पालन हो गया, तुरंत वापस राजा के पास आ गया, आके बोला है वहां वो बैठता है ऐसे अमुक गाँव के कोई नदी के जंगल के किनारे, वो ऐसा सड़क के नीचे है, आप जाके मिलते हैं। तो राजा तैयार हो गया और दूसरे दिन जो है सब लेकर के क्या क्या लेके गया, ज्ञान श्रुधि बहुतरायण षट शतानि गवाम 600 गाय ली, निष्कम एक हार लिया सोने का हार, वही हार है, फिर अश्वतरी रथम, ये अश्वतरी ये बोलते हैं ये खच्चर से बांधे हुए, जो गर्दन से बांधे हुए, और रथ भी लिया तो सामान सामान ढोलने के लिए काम आता है, तद आदाया प्रतिचक्र में, अब तीन ये ले गए, गाय 600 है, 600 को कम नहीं है, 600 गाय है, और कंठहार एक हार है, और एक गाड़ी है, ये गाय के लिए लाना है, गर्दन जाना सब काम आएगा, गाड़ी भी लिया रथ भी लिया, ये लेकर के चले गए, जाकर के कहे कि तम हो अभिवादा, जाके रायको को मिला, मिलने के बाद ऐसे कहे हे रायको इमानि षट्शतानि गवाम अयम निष्को अयम अश्वतिरी रथो अनुमा एदाम भगवो देवता गुंशादी याम देवता उपासयति, ये आपके लिए हम भेंट लाए हैं, ये 600 गाय है और ये हार है, ये रथ है, ये आपको भेंट है, आप जो है इसको लीजिए, और ये बताइए आप जो देवता के उपासक है, तो याम देवता उपास, आप जिस देवता की उपासना करते हैं, जो साधना आप करते हैं, आपकी बहुत महिमा है, तो वो साधना मुझे बताइए, उस देवता के बारे में मुझे कहिए। अब ये देखो सुना उन्होंने समूहा पर प्रतिवाचा, दूसरे ने कहा, दूसरे ने ट्राइको ने कहा, दूसरे सुना
अहहारे त्वा शूद्र तवैव सह गोभिरस्तु इति ऐसे बोल दिया। थोड़ा ऐसे भाव से अभी देखे उसके भाव से पहले भी ऐसे बात किया, उसके बात करने का ढंग ही ऐसा है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका चक्कर खुला है। कोई बहुत आदर से फॉर्मेलिटी वाली बात मुझे करते ऐसा दिखता है तो उसने सीधा बोल दिया आहा ये हारे त्वा तुम्हारे हार जो रथ है ये सब तुम्हारे पास शूद्र तबैव सह गोभिरस्तु गायों को भी साथ में ले जाओ तुम्हारे पास ही रहने दो हमें तो नहीं चाहिए ऐसे मना करता। अब वो परेशान हो गया हमने इतना कुछ दिया वो लिया नहीं वो हो सकता है हमारे को दोष है। साधुहा पुनरेव ज्ञान श्रुति पौत्रायण फिर वो समझ गए फिर उन्होंने वापस कर दिया इसका मतलब कुछ बोला नहीं और ज्यादा चाहिए या और क्या चाहिए कुछ बोला नहीं इतने करके मना कर दिया सब तुम्हारे पास ही रहने दो ऐसा बोल दिया। तो उससे वो समझ गए कि ये और चाहता है मैंने जो लेके गया ये कम है और इतने से वो नहीं होने वाला है और वो भी है विरक्त है अब वो जो लेंगे तो साथ लेंगे तो इसलिए कम है करके वो वापस आ गया। वापस आके फिर बढ़ा दिया पहले तो 600 गाय ले गए थे फिर उसको 1000 कर दिया तो गवाम सहस्र 1000 कर दिया तो एक अच्छा नंबर है 1000। फिर निष्कम वही हार अश्वधरी रथम अश्वधरी रथ भी वही था जो एक हार एक अश्वधरी रथ जो पहले ले गए वो भी है गाय के गाय की संख्या बढ़ा दी और साथ में दुहिधरम तदा अदाय वृद्धचक्र अपनी बेटी को भी साथ में लेकर के कन्यादान करने की दृष्टि से किया मतलब इतने से उनको मालूम हो गया कि ये राय को अब गृहस्थाश्रम में जाना चाहता है और जो लेके गया वो गृहस्थाश्रम के लिए अपर्याप्त है। अब ये भाष्यकार यहाँ लिखते हैं ये कैसे समझ में आया ये बात तो शास्त्रीय है अन्य प्रकार से आपको चिंतन करना पड़ेगा रिसर्च करना पड़ेगा उनकी बातों से कैसे समझ में आ गया ये गृहस्थाश्रम में जाना चाहते है कि उनको ये कम पड़ गया और ज्यादा और चाहिए करके। अब भाष्यकार तो बोलते हैं कि गृहस्थाश्रम के प्रति ऋषि की इच्छा को जानते हुए राजा ने ऐसे किया। अब किससे पता चलता है बाद में जब सबको लेके आता अपनी बेटी को भी कन्यादान करने के लिए लेके आता है इतने सारे जो पहले लाया उसको बढ़ा करके लाता है तब वो स्वीकार करता है और बाद में फिर गांव भी देंगे ये कथा के अंत में तो दुहिधरम तदादाय प्रत्यक्ष। अब क्या है ये ज्ञान स्मृति पौत्रायण की असली श्रद्धा है ये रायको को मालूम हो गया नहीं तो पहले मना करने से वो अफगान से वापस गया था अब फिर नहीं आना चाहिए तो फिर आ गया इसका मतलब और उनकी श्रद्धा दृढ़ है ऐसे मालूम ये परीक्षा के लिए भी हो सकते हैं कई कारण हो सकते हैं और वो तब ब्रह्मचर्य में रहते हुए तपस्या किया तपस्या करने के बाद में फिर आकर के वहां रहा और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं जैसे नियम के अनुसार आश्रम से आश्रम इस प्रकार से प्रवेश करना चाहते हो ऐसी कुछ सूचना उनको मिल गई होगी और कहीं गया नहीं होगा राजा के पास कहीं गया नहीं ऐसे बैठे थे तो कई कारण हो सकते हैं उनका ऐसा मालूम पड़ा जैसा भी है तो लेके गया तो फिर यही सब कुछ सामने रख करके भेंट रख करके फिर यही बात कही उन्होंने यम जाया अयम ग्रामो यस्मिन्ना से अन्वेवमा भगवः शाधीति ये बात है ये जो पहले हमने लाया था उसको भी लाया है और साथ में जाया है ये आपकी पत्नी होगी मैंने कन्यादान कर दिया और ये ग्राम है जिस गांव में आप बैठे हैं ये तो मेरा ही है तो आप ये गांव ले लेंगे तो गांव दे दिया मतलब गृहस्थी चलाने के लिए सब व्यवस्था दे दिया ग्राम प्रधान बना दिया या जो भी बना दिया वो भी हो गया। इतना होने के बाद में फिर पूछा कि अन्वेवमा भगवः शाधीति उस देवता के बारे में हमें अनुशासन करिए समझाइए बताए तब जो है फिर बाद में वो स्वीकार करता तस्याह मुखम उभो घृणन उवाच अजहारे मा शूद्र अनेनैव मुखेन आलापयिष्यथा इति। तो उसके बाद में जब ये सब दिया तो वो दुहिता के माध्यम बना करके यानी अपनी कन्या को माध्यम बना करके वो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो कन्या तो अपनी पुत्री तो अपने लिए बहुत इष्ट होता है तो सबसे इष्ट प्रिय को आप दान कर रहे हैं उसका मतलब आप
आपको उतनी ही उसमें लालसा है ये मालूम पड़ता है। तो उसी को ही मुख बना करके मैंने विद्या का द्वार बना, मुख माने यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए द्वार है। विद्या प्राप्त करने के लिए अनेक माध्यम बताया, उसमें एक माध्यम ये भी है धन आदि दे करके विद्या प्राप्त करते थे, धन आदि दे करके प्राप्त करते। उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा ठीक है ये सब गाय अन्य जो भी आपने लाया वो ठीक है, इमा मन ये ठीक है, ऐसा बोल ये जो आपने लाया ये ठीक है ऐसा बोल के फिर भी वहां शूद्र शब्द का प्रयोग किया। शूद्रा अनेन मुखे नाला वैश्य था इति, आप तो ये सब लाके अब इसके माध्यम से मुझसे वो विद्या कहलाएगा, ये तुम्हारी मतलब जो भी कुछ तुमने लाया भेंट रूप से इसके माध्यम से तुम मेरे से विद्या प्राप्त करना चाहते, ये ऐसे कहलाने की तुम्हारी विधि है ये ठीक है ऐसा बोल मतलब पर्याप्त है ये दृष्टि स्वीकार किया। तो माम आलापयती मुझे कहलाएगा कि मैं ऐसा कहने वाला नहीं था, अब मना कर दिया था तो लेकिन ये सब जब लाया तो अभी मैं कह सकता कहने जा रहा ऐसे करके बोल दिया। फिर बाद में वहाँ चर्चा वायु के विषय में होता है, वायु भाव संवर्ग यदावाई इत्यादि, तो वहाँ कोई विवाद नहीं है, वो इसके लिए अधिकरण अलग आएगा, ये विचार अलग आएगा तृतीय खंड का। यहाँ केवल प्रथम खंड और द्वितीय खंड में ये जो शब्द को लेकर के ही विचार किसको दिया क्या दिया, और उसके बाद में एक अर्थवाद फिर आएगा उसको भाष्यकार यहाँ लेंगे, तृतीय खंड में एक अर्थवाद आएगा ये इस संवर्ग विद्या की स्तुति के लिए, अथ शौनकम् वह कापेयम् अभिप्रदायिनम् च काक्षसेनी ये आएगा। तो जब आएंगे उसको भी बताएंगे क्या किया है, तो वो क्षत्रिय तो दिखाने के लिए वो वहां बताएंगे। तो इतने स्थिति में ये आद्रवण हुआ। अब आप कथा को देखिए, राजा को ऐसी व्यथा हुई और व्यथा के कारण वो चल पड़े ज्ञान के लिए, एक बार गया तो हुआ नहीं वापस आ गया और उनके अंदर ये चल ही रहा था, तो फिर सब लेकर के जा करके वो प्राप्त किया। तो उससे मालूम पड़ता है कि राजा सामान्य रूप से जिज्ञासा से नहीं गया, उसके अंदर शोक आ गया तो व्यथा आ गई, तो व्यथा के कारण ये सब कुछ उन्होंने किया, स्पष्ट है। इसीलिए उस अर्थ में ये शूद्र शब्द का प्रयोग वहां किया, ये यौगिक अर्थ में बन जाता है, यानी धादु प्रत्यय आदि लगा करके जब ये शब्द बनाएंगे तो शब्द दो प्रकार के यहाँ मानते हैं, एक तो रूढ़ी रूप से मानते हैं और यौगिक रूप से मानते हैं, ये तो है तो चार प्रकार के बनते हैं लेकिन दो यहाँ चर्चा का विषय। इसीलिए भाष्यकार ने कहा उच्चदे तदा द्रवणात्, अब इसका क्या अर्थ होना चाहिए, कहते हैं शुजम अभिदुद्रावा, ज्ञान श्रुति राजा शोक को प्राप्त किया, दुद्रावा ये सब निटलकार का रूप है, शुजम अभिदुद्रावा शुज मन शोक, शोक को उन्होंने प्राप्त किया, इस अर्थ में वो शूद्र बन गया ऐसा। शुजावा अभिदुद्रवे अथवा ज्ञान श्रुति राजा शोक के माध्यम से यानी शोक होने के कारण चल पड़े दौड़ पड़े, दुद्रवे मैंने दौड़ पड़े चले, ये कारण से भी हो सकता। दूसरा तीसरा है शुजावा राइक्वम अभिदुद्रावी अथवा शोक, शोक से ज्ञान श्रुति राजा राइको के पास पहुंच गए, इस अर्थ में भी हो सकता है, तीन अलग अलग अर्थ किया भाषिका, या तो उनके अंदर शोक आ गया इसके कारण उन्होंने कहा कि वो ऋषि के परोक्ष सदा उसमें आती है, अथवा शोक से वो चल पड़े जिज्ञासा से नहीं, शोक से उनके पास जा करके पहुंच गया और ये सब बातें बताने लगे, अपनी कन्या को भी कन्यादान के रूप में दे दिया। तो ये सब जो किया है किस लिए किया था, कि अपने अपमान को सहन नहीं करने के कारण वो जो शोक उत्पन्न हुआ था उस शोक से इन्होंने ये सब कर दिया, इसलिए उनको शूद्र शब्द से एक प्रयोग किया है संबोधित किया। ये बनता है शुज शोके धातु, शुज शोके धातु आप जानते हैं, शुज शोके धातु में ये उनादिक रक्त प्रत्यय होता है, शुजेर दश सूत्र है तो उसमें हो जाता है रक्त प्रत्यय, रक्त प्रत्यय होने पर शुज का, शुज के जो चकार के स्थान पे अंत्य आदेश दा भी होता है,
उसको धादु का दगार का अंधादेश होने के बाद में उपधा का दीर्घ भी होता है, उपधा दीर्घ पूर्व से अनुवृत्ति से आता है, उपधा का दीर्घ भी हो जाता है। तो सूच है, सूच के स्थान पे चा के स्थान पे दा कर दिया तो शुद्ध बन गया, शुद्ध बनने के बाद में रक्त प्रत्यय है तो शुद्ध रा मिला दिया तो शुद्र बन गया, शुद्र बनने के बाद में उपधा में ऊ है सकारोत्तरवर्ती उकार तो उसको उपधा है दीर्घ भी कर दिया, शू कर दिया बन जाता, ये बनने से उसका अर्थ हो गया शोक से ग्रसित कोई भी हो, शोक से ऐसा योगी का अर्थ। किंतु ये योगी का अर्थ लेने पर शुज धाधु से यह सब अर्थ है। भाष्यकार यहाँ शुज धाधु के साथ में ध्रुव धाधु को भी मिला रहे, इसका मतलब इसको एक समस्त पद मान है, शू भी है और ध्रुव भी है। ध्रुव का अर्थ दिखाया ना, एक तो अर्थ दिखाने के लिए जो पद है, जो आवश्यक पद है उसको लिया जाता है, यानी विग्रह वाक्य करते समय हमारे व्याकरण में ऐसे कहा जाता है, एक तो स्वपद विग्रह और दूसरा अश्वपद विग्रह होता है। ये अश्वपद विग्रह करके भाष्यकार अर्थ बता रहे, ये भी हो सकता है सुजस हो गए धाधु से, दस्य सूत्र से रक्त प्रत्यय करते उपधा दीर्घ करने पर भी बन जाता है, वो भी ठीक है। यदि ऐसा नहीं भी मानेंगे तब भी बन सकता, क्योंकि तब क्या होगा कि इसमें दो अलग अलग विभाजन करना पड़ेगा। शोकमेव दुद्रावा, शोकेन दुद्रावा इत्यादि को हेतु में मान करके ये सुख एक पद तो प्रातिपदिक बनेगा, से प्रत्यादि करके शुभ बन जाता है, ठीक है। शुभ बनने के बाद में शुक एदम राजानम अभिद्रव इस अर्थ में करेगा, यानी वहां समस्त पद बनाएंगे तो शुभ इति उपपदे, शुभ को उपपद रहते रख करके आकारांत द्राधातु, द्राधातु आकारांत धातु है, उस धातु से कब प्रत्यय करेंगे, कब प्रत्यय करेंगे, क्योंकि सुपिस्थ एक सूत्र है, सुपिस्थ सूत्र को योग विभाग करके सुपे के उपपद रहते हुए कब प्रत्यय करने का विधान है, सुपिस्थ सूत्र से कब प्रत्यय करेंगे, कब प्रत्यय करने के बाद में वो हो जाएगा द्रा धातु में द्रा बन जाएगा, और फिर ये जो दीर्घ है शुच शुक में जो शू कर दिया, शू करना जो है वो प्रशोधरादि निधोगरिष्ठम से हो जाता है। तो समाज में एक ऐसा नियम है प्रशोधरादि गण में जो आता है वो आकृति गण में उसको जैसा कहा गया वैसा होगा, तो उससे हो जाएगा शुक से द्रा करेंगे तो वो नहीं द्रा का प्रत्यय, सुभिस्था सूत्र से सुभि को योग विभाग करके का प्रत्यय करेंगे तो का बचेगा, तो उसके बाद युक्तित्व होने के कारण उसमें गुणादि प्रवृत्ति नहीं है, गुणादि नहीं होगा और वो अर्थ में ऐसा आएगा कि शो को लेकर के ये शो के प्रति दौड़ा दौड़ने वाला, ऐसा अर्थ में आ जाता है, ऐसा अर्थ में आने से उस प्रकार से भी बन सकता है। प्रशोधराज में दो से बनेगा, ये दोनों अर्थ के दोनों अर्थ को मन में रखते हुए भाष्यकार ये तीन तीन विकल्प दे रहे, इस प्रकार से आप अर्थ उसका निकाल सकते हैं, ऐसा। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न मीमांसा की ओर से या शास्त्र की ओर से आता है, जहाँ यौगिक और रूढ़ी में बलाबल देखा जाता है, जहाँ रूढ़ी अर्थ भी है यौगिक अर्थ भी है, वहां जब बलाबल देखते हैं तो हमेशा मीमांसकों का यहाँ नियम है कि वो रूढ़ी अर्थ का आश्रय लेते हैं, तभी जाकर के निषाद स्थपति रथकार आदि अधिकरण में ऐसा निर्णय लिया, यौगिक अर्थ नहीं लिया, योगी वार्थ ने रूढ़ी अर्थ लेकर के करना। तो आप यहाँ रूढ़ी अर्थ को छोड़ करके अवयवार्थ यानी यौगी वार्थ कैसे ले रहे, तब उसके लिए कहते अवयवार्थ संभव रूढ़ी अर्थ से असंभव, यही हेतु यहाँ अवयवार्थ निकाला जा सकता, जैसे प्रसंग में ये शब्द आया उस शब्द को लेकर के विचार करने पर अवयवार्थ निकाला जा सकता,
इसीलिए एक कारण। और रूढ़ अर्थ असंभव है, रूढ़ अर्थ यहाँ नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि रूढ़ अर्थ के विरोध में बहुत शास्त्र प्रमाण है, तो रूढ़ अर्थ नहीं हो सकता है। इसके कारण से यहाँ रूढ़ अर्थ को छोड़ करके अवयवार्थ ले रहे। रूढ़ अर्थ होने पर विरोध होगा, क्या विरोध होगा आगे जो तीन सूत्र आने वाले उसी में ये भी बताने जाए कि वो क्या विरोध होगा, यहाँ रूढ़ अर्थ ही छोड़ना चाहिए, अवयव अर्थ क्यों लेना चाहिए, और वो रूढ़ अर्थ से ज्यादा सूत्र को यहाँ नहीं कह रहा है, इसका क्या कारण है वो सूत्र आगे बताए। दृश्य अयम अर्थ हो अस्याम आख्यायिकाया, यही का अभी जैसे हमने कथा इसलिए आपको सुना है, इस कथा में ये अर्थ दिखाई पड़ता है। तो सामान्य रूप से जिज्ञासा से शिष्य भाव से जाकर के पूछा ये बात नहीं है, जैसे अर्जुन भगवान को पूछते हैं वैसे वो भगवान से तब पूछते हैं जब वो परेशानी में आ गए, शोक संविघ्न मानस, ऐसा हो गया शोक से ग्रस्त हो गया, चक्कर आ रहे हैं, यात्राणी संबंधी वो तो सदे अब अपने हाथ से धनुष भी नीचे गिर गया और बेहोश होकर के वहां बैठने लगा हो गया, मतलब पूरा वो क्या बोलते हैं एक प्रकार से चक्रा, वो सोच करके बहुत परेशान हो गया। अब इतने बड़े योद्धा और ऐसे बड़े युद्ध में आते हैं और वहां जाकर के ऐसे चक्रा के बैठ जाए तो क्या स्थिति हो जाए। अर्जुन का क्या नाम था, पार्थ एवं धनुर्धरा, पार्थ का नाम तो धनुर्धारियों में था, वही गांडी एवं संसदे हस्ता तो शक्नो में अवस्था तो जैसे आजकल जो इंटरव्यू में जाते हैं लोगों को जैसा होता है वैसा ही उनको इंटरव्यू में जाने के पहले ही होता है, तो अपने हाथ से निकल गया, बाकी पहले तो सब कुछ तैयारी है, जिंदगी भर उन्होंने लड़ने के लिए तैयारी किया, और कुछ किया नहीं, अब तुमने क्या किया तो ध्यान भजन साधन तो किया नहीं है, पूरे लड़ने के लिए लड़ाई लड़ाई सीखते रहे और दिन रात धनुष चलाते रहे, अब जब समय आ गया लड़ने के लिए तो सब ढीला हो गया, अब शरीर ढीला होने के बाद में इतने गांडीव जैसे धनुष को कैसे पकड़ेंगे, वो गिर गया नहीं, गांडीव संसद नहीं हटता तो परिदगे, जैसे बुखार आने पर क्या स्थिति हो जाए, तो मतलब शरीर जलता हुआ जैसा होता है ना, गर्म होगा तो गर्म होने पर पसीना आए, पसीना आ गया वो हो जाता है, तो ये सब स्थिति होगी। अब होने के बाद में और कोई रास्ता नहीं तो साधु माम तो आप प्रपन्नम, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति है इनके पास, ये तो दूसरे ढंग से हो गया, अभिमान के कारण परेशानी हो गया, नींद नहीं आ रहे, तो अभी ये कौन है ऐसा मेरे से इतना बड़ा, मैं इतना कुछ धन खर्च कर रहा हूँ तो कुछ भी मेरा नाम नहीं है, ऐसे ऐसे शोक आ गया अंदर, शोक आ गया तो शोक से दौड़ करके इनके पास गए, तो तब जा करके उन्होंने इस प्रकार से उपदेश दिया। इतना सब कुछ पागलपन दिखाने के कारण वो आगे जा करके जो सबसे पहला वचन है भगवान का, क्लैव्यम मात्मगम पार्थ नहीं ये दत्त युव बद्य दे, ऐसा इसलिए करना पड़ता है, तुम्हें एक नपुंसक है ऐसा बुलाना पड़ता, अब इससे ज्यादा मतलब गाली के दृष्टि से कहिए या नीचे दिखाने की दृष्टि से कहिए, एक पुरुष के लिए एक मतलब अर्जुन जैसे इतने बड़े योद्धा के लिए उसको नपुंसक बुला रहे से नीचे कुछ हो नहीं सकता, और अन्य कोई ये नहीं है तो वो सबसे ये नपुंसक बुलाए और क्या हो सकता, ऐसा तुम कहिए नवसंज्ञा को कैसे प्राप्त किया ऐसे बोल दे, भगवान को गुस्सा आया होगा ये क्या कर रहा है, इतना सब कुछ अपने उपदेश देता रहा कुछ भी नहीं मारा, हम लड़ेंगे मारेंगे करके आ गया, जो लड़ने के समय आ गया सब कुछ आकर के ऐसा परेशान हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए आगे कहो तुमको पता नहीं है अब यहाँ से हम वापस जाएंगे तो इससे अच्छा है कहीं डूब जाना मर जाना अच्छा है, कैसे होगा इसलिए सब कुछ करने के बाद में यही आकर के उपदेश यहाँ देता है, ये पहले सोचना चाहिए था, ऐसा इसलिए भगवान को गुस्सा आ गया, गुस्सा आने से उन्होंने तुम नवसर जैसे बातें कर रहे तो इसे वो बहुत बड़े बुद्धिमान जैसे बात करते कुछ समझते नहीं ऐसे करके उनको डांडा, ये डांडा पड़ा, ऐसे ही ये भी डांडा। अब इसमें क्या अंदर है, वो जब अर्जुन को भगवान साहिब में बुला सकता है तुम नवसर को ऐसे बुला सकता है, कितने बड़े अनादर है, अब वो अर्जुन की दृष्टि से सोचिए भगवान तो बड़े हैं, भगवान कुछ भी बोल सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं, आगे जाकर के तुम सबसे बड़े प्रिय हो, धनुर्धर मेरा ही स्वरूप है इत्यादि सब प्रेम से बोला, बात अलग है बात की बात है, लेकिन इस समय उन्होंने क्लैव्यम मात्मगम पार्थ नहीं है दत्त युव बद्य दे,
शूद्रम हृदय दौर्बल्यम चक्रोत्तिष्ठ ये क्या पागलपन है, ऐसा करके उनको दिया। जैसा उन्होंने वहां बताया वैसे ही ये भी बता रहे, क्योंकि श्री दोनों एक ही है, निमित्त अलग अलग है, स्थिति एक ही है। ये भी शोक से गया तो वो उन्होंने क्लाइव्य नहीं बोला, बाकी शूद्र करके उनको शब्द प्रयोग किया, इतना ही है। इसका मतलब अनादर दृष्टि से ही किया, तो ये सूत्र उसके साथ होता है। इस शब्द का कोई और अर्थ ढूंढने के लिए और प्रकार से इसका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रसंग से ऐसा मालूम पड़ता है। ये भाष्यकार ने वो अर्थवाद में आया हुआ शब्द होने के कारण इस प्रकार से अर्थ विशेष कर दिया। अब इसकी टीका है, सूत्रा बहिरेव सिद्धांत यदि का पूर्वक्ष आने पर, पूर्वक्ष ने कई हेतुओं देकर जैसे देवताओं को ऋषियों को ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इसी प्रकार कर्म संबंधी नहीं होने से अनग्निक होने पर भी शूद्रों को विद्या में ब्रह्म विद्या में वेद के द्वारा अधिकार प्राप्त है ऐसा कहा, और विदुर आदि का भी दृष्टांत दे दिया। तब उस स्थिति में ये सिद्धांत आया, तो सूत्र से बाहर ही बोला, यानी सूत्र आरंभ करने के पहले इस सिद्धांत को जोड़ दिया। सूत्र तो हेतु के रूप में आ रहा है। अध्ययन अभावे भी किम अधिकारो विद्या हेतुषु नैष्यते तत्र, ठीक है अध्ययन का अधिकार नहीं, क्योंकि भाष्यकार ने कहा एवं प्राप्ते गोमह न शूद्रस्य अधिकारः वेदाध्ययन अभाव, ऐसा कहने से ठीक है अध्ययन नहीं है, रहने तो कोई बात नहीं, अध्ययन वेदाध्ययन नहीं होता, तो वेदाध्ययन के अभाव होने पर भी किम अधिकारो विद्या हेतुषु नैष्यते, विद्या के कारण हेतु जो साधन है उसमें अधिकार क्यों नहीं माना जाए। वेद में भले ही अधिकार नहीं है लेकिन अन्यत्र मान सकता है, ऐसे कहने पर कहते तत्रा वो तो मान सकता है, लेकिन वेद में कहे हुए ज्ञान को या कर्म को करने के लिए वेद विधि से ही उसका अध्ययन होना चाहिए। तो अधीत वेदो ही विदित वेदार्थो वेदार्थेषु अधिक्रियते, ये कहा कि जिसका वेद अध्ययन हो गया और वेदार्थ का ज्ञान हो गया वही वेद में कहे हुए कर्मों को संपन्न कर सकता है, और उसके बिना वो नहीं कर सकता, दूसरा करे वो बात अलग है, वो जो नहीं किया वो नहीं कर सकता। ये तो सामान्य बात है, कोई भी ऐसा कहेगा कि वो अध्ययन किया ही नहीं तो कैसे करेगा, जानता ही नहीं तो कैसे करेगा, इसीलिए वो कोई विशेष नहीं सामान्य नहीं। इसकी टीका है, सांग अध्ययन विधि अदृष्ट संस्कार सहित वेद वाक्य उत्थ प्रमिति मत एव उत्तरा उत्तर विधिषु अधिकारो नान्यस्येति नियमयन्। ये नियम है कि सांग सहित वेद विधि का जो अध्ययन किया, सांग अध्ययन विधि अदृष्ट संस्कार सहित, अध्ययन करने से पहले दृष्ट फल होता है, उसका अर्थ ज्ञान होगा, फिर उसके द्वारा वो विशेष कर्मों में अधिकृत होता है, अधिकृत होने के लिए जो संस्कार है वो यही है, ये जो उपनयन आदि संस्कार है वो अदृष्ट में है, उपनयन संस्कार का कोई दृष्ट फल नहीं दिखाई देता, अदृष्ट में है। इस प्रकार से अदृष्ट संस्कार से भी युक्त हो गया होने से देखिए वेद वाक्य उत्थ वेद वाक्य से उत्पन्न प्रमिति मत प्रमिति मन ज्ञान हो गया, वेदवाक्य से उत्पन्न ज्ञान उसको हो गया, सारे विधि विधान जैसे हो गया, ऐसे जो जिसको हो गया उसको बोलते हैं अधिकृत, वो अधिकृत व्यक्ति अभी आगे में अधिकारी बनेगा, उसको कहते हैं अधिकृत अधिकारी, पहले वेदाध्ययन कर चुका है वो कर्म कर सकता है, ये अधिकृत अधिकारी। ऐसे उत्तर विधिषु अधिकारो, ऐसे ही व्यक्ति को उत्तर विधियों में आगे आने वाले विधियों में अधिकार प्राप्त होता है, न अन्य से नियमयन अन्य को नहीं होता। वैदिकेषु ब्रह्मधी फल पर्यंत उपाय विधिषु सूत्र से अनधीयमान से अधिकारम पारयदी विभाव, ऐसे नियम करता हुआ जो वेद विधान है शास्त्र का विधान है वो ये करता है कि जो जो इस प्रकार से अध्ययन नहीं करता सो ये कर्म को नहीं कर सकता, ये नियम बना, इसलिए वैदिकेषु ब्रह्मधी फल पर्यंत, ये ब्रह्म ज्ञान के जो प्रकरण है
उपनिषदों को लेकर के जो ब्रह्मज्ञान के प्रकरण है ये भी वैदिक विधि में आता है। तो वैदिक विधि जो ब्रह्मज्ञान के प्रकरण है उसमें भी इसी प्रकार उनको अधिकार रहता है जो सांग वेदांत अध्ययन किया, अन्य को नहीं नहीं होने से शूद्रस्य अनधीयमानस्य अधिकारं वारति। इसलिए अध्ययन जिसने नहीं किया हो उसको उसमें अधिकार प्राप्त नहीं होता। ऐसा देखा जाए तो जो त्रैवर्णिक है उसमें भी इस प्रकार से विधि विधान से जो जिसने तैयारी नहीं की वो भी सीधा नहीं पढ़ सकता, ये बात है समान है। वो तो अधिकृत अधिकार में यह आएगा तो ऐसा ही होगा। अध्ययन तरही तस्य किम न स्या, ठीक है यदि अध्ययन से नहीं होता है तो उनको अध्ययन होने दो, अध्ययन करा दो उसको, अध्ययन में क्या रुकावट है, ऐसा प्रश्न किया तो उत्तर में कहते हैं न च शूद्रस्य वेदाध्ययन अस्ति उपनयन पूर्वगत्वा वेदाध्ययनस्य। शूद्र वर्ग को वेदाध्ययन नहीं है क्योंकि उपनयन पूर्वक वेदाध्ययन होता है, ठीक है। उपनयन अभी तस्य स्याद इति आशय, ठीक है उसको उपनयन करा दीजिए, उनको अभी हम क्या उपनयन करा देना। तो बोलते हैं उपनयन चा उपनयन वर्णत्रय विशेषता, उपनयन के विषय में जहाँ वेद में विधान आया वहां देखते हैं तो तीन वर्ण का ही नाम लिया, चतुर्थ वर्ण का नाम लिया नहीं, चतुर्थ वर्ण को उपनयन कराओ ऐसा कहीं वेद वाक्य भी नहीं, स्मृति वाक्य भी नहीं और कल्प सूत्रों में भी कहीं भी नहीं, तो फिर किस आधार पर करें, उसको आधार चाहिए ना। आप अपनी युक्ति चलाने से तो होगा नहीं, वेद ने ऐसा कहा है तो हो सकता है, क्योंकि वेद आपसे कई गुना ज्यादा युक्ति जानता है और आपसे कई कई जन्मों का हजारों जन्मों का, या आपके यदि आप अपने संस्कार को देखा जाएगा तो आपके संस्कार कहाँ से शुरू होता है कहाँ अंत होता है सारे कुछ का ज्ञान वेद के पास है, सब कुछ जानता है। तो ऐसा वेद जो कहेगा आपके हित में ही कहेगा, आप तो केवल इस जन्म के ये जो बीच की बात है इतने आप जानते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, समाज में चारों तरफ क्या चल रहा है वो जानता है। अब समाज क्या जानता है, समाज तो वो जो काम चलाव के लिए सब कुछ करता है, वो 25 साल पहले क्या था उसका कोई मतलब नहीं, आगे 25 साल बाद क्या हो जाएगा उसके कोई मतलब नहीं। फिलहाल हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, अभी हमारे पास धन होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ हड़प लो करिए सब कुछ कर लो, आगे जाके क्या होने वाला वो नहीं देखता है क्या। तो आप समाज के पीछे से जा करके भी आप एक अलौकिक बात का निर्णय नहीं करते, लौकिक बातों के लिए ठीक है, खाने पीने के विषय में रहन सहन के विषय में ठीक है जो भी चल रहा है मान लो कर लो जो भी हो, लेकिन अलौकिक के विषय में कभी भी ये समाज का जो नियम है वो कार्य नहीं करता है, क्योंकि अलौकिक के विषय में जानता ही नहीं। अब खुद ये बता रहे हैं कि समाज में जो कुछ चल रहा है आप देख लो, समाज यदि सब कुछ व्यवस्थित कर सकता है तो वो आगे के सोच करके भविष्य के 25 साल के भविष्य के आगे सोच करके जो करता है समाज, तब तो ये घटनाएं नहीं हो रही। जितने प्रदूषण फैला रहे, जितने नदियों को खत्म कर रहे, ये वायु को प्रदूषित कर रहे, आकाश को प्रदूषित कर रहे, वहाँ वो भेज रहा है ये भेज रहा है, ये सब कचरा कहाँ जा रहे हैं, ये आपके सिर के ऊपर मंडार रहे और बाद में आपको ही नुकसान करने वाले हैं। ये क्या आगे का सोच रहा है क्या, आगे की पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, पानी को पूरा दूषित कर रहे हैं क्योंकि हमको कहाँ खाना चलाना है वहां से पैसा कमाना है, वो पैसा हो गया तो इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा तो हमारे जेब में पैसा आएगा, पैसा आ गया तो हम भोज करेंगे। अरे आगे जाके पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, पूरा विश्व हो जाएगा, तुम्हारी आगे परंपरा पीढ़ी क्या खाएगी क्या पिएगी कुछ नहीं। अब इस समाज का नियम को आप आगे बढ़ाए हो तो क्या होने वाला, इसलिए समाज क्या चाहता है वो उस समय की बात है, 50 साल पहले वो समाज क्या चाहता था वो अलग है, अभी क्या चाहता है वो अलग है, और 20 साल के बाद क्या चाहता था अलग। अब लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे एक बस सबसे बढ़िया पेन मिलने से वो उस समय जो है बहुत बढ़िया बढ़िया पेन आता था, तो उसमें वो मिलने से बहुत खुश हो जाते थे, कहीं क्या कहीं अच्छे नंबर आ गया या कुछ आ गया तो वो एक पेन खरीद के देते है, बस कोई बड़ा माना जाता। आजकल पेन लेने से कोई मानता है, कोई नहीं मानता, पेन का कोई मायना नहीं। तो आपको अभी देना पड़ेगा सबसे बढ़िया मोबाइल, सबसे बढ़िया अभी आप उनका मोबाइल देंगे बच्चा खुश हो जाए। अब उस जमाना बदल गया, पैसा का अंदर देखिए, उस समय 10-15 रुपया में बढ़िया पेन मिल जाता है, वो उस समय का पार करता इत्यादि जो भी होता था 50 रुपए का अंदर का उससे ज्यादा नहीं था।
अब वो अलग है, 50 रुपए का कोई इधर कुछ नहीं है, 50 रुपए दे दो, ये पूरा बंडल आपको पेन मिले, इतना पेन हाथ में पकड़ा है। अब उसका उसको कोई मानेगा क्या? वो तोहफा में देने से कोई उसका नहीं मानता है। और दूसरा जो है आप मोबाइल आदि देंगे तब ये बदल गया, बदलने से भाव बदल जाता है। इसलिए इसके पीछे जाने से अलौकिक कोई ज्ञान आपको होगा नहीं, क्योंकि आगे पीछे इनका कोई विचार नहीं, अपने स्वार्थ के लिए अपने मतलब के लिए हो गए सारे, जमाना ही ऐसा ही। इसीलिए वो उसको लेकर के इस विषय में निर्णय नहीं लिया जा सकता। यहाँ उपनयन शास्त्र का प्रतिषेध तो नहीं है, लेकिन उपनयन शास्त्र का विधान कहीं मिलता, और ये उपनयन शास्त्र अलौकिक है, यानी अदृष्ट फल के लिए ही है, अदृष्ट फल विषय तो नहीं है। इसलिए वो किए बिना आगे नहीं करना है बोल दिया तो क्या करेंगे, वो किया ही नहीं तो आगे कैसे करें। इसीलिए उनका अध्ययन कराने की बात नहीं है। ये कहा लक्ष्य दे ही तस्य वर्णत्रय विषयत्वम, कहते हैं आगे हम इसको विस्तार से बताएंगे, जो उपनयन शास्त्र वर्णत्रय विषय का ये हम आगे कहेंगे। यदुक्तम अस्तित्व सामर्थ्ययोः संभवादिति तत्र अस्तित्व उपेत्य सामर्थ्यम प्रत्या। पूर्व पक्ष ने ये भी युक्ति दी थी, आपके पास जो चार हेतु है उसमें सबसे पहले हेतु है अस्तित्व, वो फलवधि कर्म में सभी प्रवृत्त होता है, तो फल वाला कर्म है, फल वाला है ये ब्रह्मज्ञान, बहुत बड़ा फल का है, इतना सुना है, साधन है, ब्रह्मज्ञान है, बहुत फल देने वाला है, तो सुना, सुनने से उसमें प्रवृत्त होता है, अस्तित्व आ जाता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, इच्छा होने पर व्यक्ति प्रवृत्त होता है, तो उसको कौन रोक सकता है। ऐसी युक्ति थी, बोला कि ठीक है अस्तित्व तो सबके पास है, सब लोग सब चाल सकते, हम भी चंद्रमा जाने के लिए सोच सकते, नहीं सोच सकते, सबको लेके चंद्रमा जा रहे हैं, हमको भी, हम भी चंद्रमा जाने से कैसा रहता होगा, बहिराकाश में क्या स्थिति होती, तो हमको इच्छा हो जाती, हम इच्छा होने से क्या होता, आपको लेके जाएंगे नहीं, आपको लेके जाएगा तो वो परेशान हो जाएंगे, जो है क्या होगा, वो बीच में ही समाप्त हो जाएगा, उसके लिए अलग ट्रेनिंग देना पड़ता। तो आपको इच्छा होने मात्र से कार्य होती है, कार्य होने के लिए विशेष सामर्थ्य की आवश्यकता है। अब सामर्थ्य पर विचार करो, आप जाने में समर्थ है कि नहीं है ये विचार करो। तो बोला कि सामर्थ्य है ही नहीं, भाष्यकार ने कहा कि यद अस्तित्व, यद्व अस्तित्व, ये जो अस्तित्व आप मान रहे हैं ना, न तद असदि सामर्थ्य अधिकार कारणम भवति, अस्तित्व तो सामर्थ्य के बिना अधिकार के लिए हेतु नहीं बनता है, आपके पास सामर्थ्य है तो अस्तित्व ठीक है, नहीं तो सामर्थ्य संपादन करो भाई, सब हो सकता है, सामर्थ्य संपादन करने के लिए जो विधान है उसको पूरा देखो, फिर उस प्रकार से करो तो आगे हो जाएगा। यदुक्तम अस्तित्व सामर्थ्य हो गया, सामर्थ्य अभी तथ्य संभव आशंका, गुरु पक्ष कहता है नहीं सामर्थ्य भी उसका हो जाएगा, सामर्थ्य में क्या कमी है, बोलते देखो सामर्थ्य दो प्रकार का है, लौकिकम वैदिकम वाइति विकल्प आद्यम निराह, ये सामर्थ्य है ना दो प्रकार के होते हैं, इच्छाएं भी दो प्रकार की होती है, इहलोक और परलोक इच्छा, इसी प्रकार सामर्थ्य भी दो प्रकार का है, एक तो लौकिक सामर्थ्य जो सबको प्राप्त है, और शास्त्रीय सामर्थ्य जो सबको प्राप्त नहीं, शास्त्र के अनुसार कहना पड़े, जैसे हमने कल कहा जो डॉक्टरी पढ़ा होगा वही चिकित्सा कर सकता है, अब दूसरा करेगा तो वो उसको जेल में डाल दिया जाता है, गलत है, तो ऐसा ही होता है, तो उसके पास सामर्थ्य है, ऑपरेशन कर सकता है, चाकू चला सकता है, सब कुछ करा सकता है, अब तो वो होता है क्या, नहीं होता है। और जिसके पास शास्त्रीय सामर्थ्य प्राप्त है, यानी डॉक्टरी सर्टिफिकेट पास है, सरकार के द्वारा प्राप्त जो है वो अनुमोदन उसके प्राप्त बात है, वो ऑपरेशन करेगा, रोगी मर गया तो भी उसको केस नहीं लगेगा, वो डॉक्टर है, हो जाता है ऑपरेशन में, मर जाता है उसमें क्या, वो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही चीज कोई दूसरा करेगा तो बिना पत्र वाले प्रमाणित व्यक्ति करेगा तो उसको केस लगेगा। ये अंदर देखो सामर्थ्य होने से वो कर सकता है ऐसा नहीं है, तो उसका उसके लिए अलग व्यवस्था है, ये शास्त्रीय सामर्थ्य की विशेषता है। तो शास्त्रीय सामर्थ्य आपको प्राप्त नहीं है, अब ये सब बातें ये लोग जानते नहीं, इस पर विचार नहीं करते, या विचार करना नहीं चाहते, गौर करना नहीं चाहते, इन बातों को अनदेखी करते, करने के बाद में अपने राजनीति चलाने के लिए ये आपस में झगड़ा पैदा करते रहे। अब ये जब से हो
हुआ है झगड़ा कब से हो गया आप देखना, जब से वोट मांगना शुरू किया तब से झगड़ा है। इसके पहले कुछ नहीं था, सब व्यवस्था अपने आप ढंग से जैसा जैसा चल रहा था चल ही रहा। तो वो जब से उनको वोट मांगने की बात आ गई तब जो है एक एक ढूंढने लगे, हर एक समय में एक ढूंढते रहते इस समय कौन सा लाए, इस समय कौन सा लाने से हमारा फायदा होगा, ऐसा लाया है ये सब। बाकी ये शास्त्र थोड़ा पढ़ने से उनको समझ में आता है ये कोई असामान्य बात नहीं कर रहे। सामान्य बात की स्थिति है कि आपको सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, एक सामर्थ्य से लौकिक सामर्थ्य आप लोग कुछ कर सकते खान पीन सकता, शास्त्रीय सामर्थ्य शास्त्रीय कर्मों के लिए अधिकार करता। इसीलिए ये विभाजन को ध्यान में रखो, ये भाष्यकार ने कहा सामर्थ्यम अभी न लौकिकम केवलम अधिकार कारणम भवति शास्त्रीय अर्थे शास्त्रीय सामर्थ्य से अवेक्षित। सामर्थ्य ननु सामर्थ्य ननु लिखित पाठादिना प्राप्त स्वाध्यायाद अर्थधी योगाद अस्ति तस्य वैदिकम अभी सामर्थ्य। आप बोलते हैं कि चतुर्थ वर्ण को वैदिक सामर्थ्य शास्त्रीय सामर्थ्य नहीं है बोलते। शास्त्रीय सामर्थ्य ठीक है, आप गुरु के पास नहीं जा सकते, उपनयन के नियम के अनुसार आपको अध्ययन नहीं होगा, लेकिन लिखित पाठ तो होता है, किताब लेकर के पढ़ लेगा, जैसे करते हैं लोग आजकल किताब पढ़ते हैं या सीडी सुनते हैं, सुन करके कर देते हैं। तो लिखित पाठ आदि जनिता लिखित पाठ आदि से उत्पन्न जो विद्या है वो विद्या के द्वारा तन निर्भरण उसका निर्वाह हो जाएगा, उसको प्राप्त हो जाएगा। तो प्राप्त स्वाध्याय आदि योगा स्वाध्याय कर लेगा और उससे ज्ञान भी उनको प्राप्त हो जाएगा तो सामर्थ्य बन जाएगा। न च निषिद्ध अध्ययनाद दुरित उदय भयाद न प्रवर्तते। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो निषेध किया है वेद ने, तो जो निषिद्ध कार्य करेगा तो उससे पाप होगा, पाप होगा तो दुरित होगा, दुरित होगा मैंने मन कलंकित होगा, आपको और दुख होगा। तो लिखित पाठादि से नहीं कर सकते, तो निषिद्ध अध्ययन क्योंकि उनके लिए निषेध है ना, निषेध को आपने माना नहीं, नहीं मानते हुए दूसरा काम किया, पाप कहां से होता है, पाप कहां से होता है, पुण्य कहां से होता है। जो वेद विहित कर्मों को जैसा आचरण करने के लिए कहा वैसे आचरण करने से पुण्य होता है, ध्यान रखो शास्त्र विहित कर्मों को जैसा आचरण करने के लिए कहा है वैसा आचरण करने से जो विशेष शक्ति आपको प्राप्त होती है, संस्कार आपके मन में प्राप्त होता है, उसको पुण्य कहते हैं और उस पुण्य के बल से आगे फल मिलता। किंतु आपको कोई काम अच्छा लगा, लोग सारे दुनिया बोल रही है काम अच्छा है, आपको भी अच्छा लगा, वो अच्छा लगने के कारण आपने वो कर्म किया लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा, उससे पुण्य नहीं मिलता है। ये भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से आगे चतुर्थ अध्याय में कहेंगे कि आपको कोई कर्म लग रहा है, स्वकर्म का मतलब आपको अच्छा लग रहा है, आपने कर दिया, इससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा, शास्त्र विधान के अनुसार करने से पुण्य होता। बाकी आपको कोई अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको सहारा ये करेंगे, आपको यशस्व मिलेगा, वो बात अलग है, आप कर जो काम अच्छा कर रहे हैं तो, लेकिन वो शास्त्र विहित आपके लिए है, आपके वर्ण धर्म आश्रम धर्म के अनुसार है तब तो ठीक है। तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं यशस्व अनुष्ठानम शक्यते, मैं अच्छी तरह इसका अनुष्ठान कर सकता हूँ, ऐसा करके कोई कर्म का निश्चय करके आप करेंगे तो उससे पुण्य होगा, ऐसी आशा मत रखिए। पुण्य का मापदंड मतलब प्रमाण यही है, शास्त्र विहित संबंध कर्म को उस प्रकार से अनुष्ठान करेंगे तो पुण्य होगा, और इसका विरुद्ध शास्त्र ने जिन कर्मों को निषेध किया ये मत करो बोल उसको यदि करेंगे तब तो पाप लगे, तब तो पाप लगे, उसके अलावा और कोई पाप नहीं लगता। इसीलिए अब जैसे आप किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं या वेद के संबंध लिखा हुआ कोई किताब भी आपने पढ़ लिया समझ लो, उससे कोई न पुण्य होगा न पाप होगा न दृष्ट फल होगा न अदृष्ट फल होगा, पढ़ सकते हैं अब उसमें कोई दोष नहीं। जैसे आजकल यज्ञ करते हैं बहुत लोग,
कहीं खेल कूद हो रहे उसके लिए इतनी करते इसके लिए इतनी करते ऐसे वैसे इतने सब करते इतनी के नाम से कुछ बैठ करके सब लोग वही पैन शर्ट पहन के बैठेंगे वो करेंगे जैसा भी करते हैं कुछ दिखावा के लिए करते हैं तो वो वैदिक तो है ही नहीं और उन मंत्रों के विधान से नहीं हुआ इसलिए उससे कोई पुण्य भी नहीं होगा और नहीं पाप भी नहीं होगा क्यों वो तो निषिद्ध का निषेध किया हुआ तो नहीं है कुछ नहीं होगा फल नहीं होगा आप दिखावे के लिए कुछ कर सकते हैं ये जो सामान है वो खाने लायक है वो सब आग में डाल करके जला सकते हैं जैसे आप जलाते हो वैसे जलाने का फल होगा और कोई फल नहीं होगा वो लोग बोलते हैं श्रद्धा से कर रहे हैं श्रद्धा से फल होता है श्रद्धा से तब फल होगा श्रद्धा के विधान के अनुसार कर्म करेंगे तो फल होगा श्रद्धा जो है आपका एक धन है उस धन को कहां इस्तेमाल करना है वो आपको आना चाहिए श्रद्धा बोल करके मनमानी किया तो वो श्रद्धा नहीं होता श्रद्धा से कुछ भी किया ऐसी श्रद्धा हो जाती है क्या श्रद्धा आपके पास शक्ति है आपके पास जानकारी है उसको सही जगह लगाना चाहिए जैसे आपको कोई जानकारी विशेष जानकारी प्राप्त है वो जानकारी को आपने सही दिशा पे नहीं लगाया तो वो जानकारी का कोई अच्छा फल निकलेगा क्या नहीं निकलता श्रद्धा का भी ऐसा ही श्रद्धा होने से जो जो करता है सबका फल होगा ऐसा नहीं है श्रद्धा से आप कर सकते हैं जो विधान किया हो उसको करो तो फल होगा और जो विधान नहीं किया है उसको करेंगे तो वो तो पाप लगेगा अब श्रद्धा से किया है श्रद्धा से किसी को थप्पड़ मार दिया वो पिटाई कर दिया और मैंने श्रद्धा से किया था बोलने से क्या होता है कुछ नहीं होता है और जैसे गुरु सेवा आदि करने के लिए आश्रम में सेवा करने के लिए कहते अब गुरु जी को जब गर्म पानी चाहिए तो ठंडा पानी दे दिया और जब ठंडा पानी चाहिए तो गर्म पानी दे दिया तो वो तो मतलब वो तो कोई श्रद्धा से देने में बहुत श्रद्धा से दिया था ऐसा बोलने से नहीं चलता है तो ये श्रद्धा का एक तो सामान्य व्यवहार के अनुसार नियम में अनुसार होना चाहिए तब वो काम में आता है श्रद्धा से आप नाचते रहे कई लोग अभी नाचते गाते सब कुछ करते जो भी करते हैं तो बोलते हम बहुत श्रद्धा से करें शास्त्र का विधान उसमें नहीं है आप श्रद्धा से नाचो ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं कहा आप नाच रहे ठीक है उसका अलग आपको आनंद आ रहा है नाचने कोई भी नाच सकता है उसका कोई निषेध भी नहीं विधान भी नहीं लेकिन श्रद्धा से नाचने से बहुत बड़ा फल होता है ये करना गलत है इसलिए शास्त्रीय बातों को विशेष रूप से सावधानी से जानना पड़ता है वो आपके अपनी बुद्धि चला के जानने योग्य नहीं है तो शास्त्रीय कारण से उसको जानना पड़ेगा इसीलिए ये पूछता है कि निषिद्ध अध्ययन निषिद्ध होता हुआ भी अध्ययन करने से दुरिदोदय भयात दुरिद का दुरिद उत्पन्न होगा मैंने पाप होगा ऐसा न प्रवर्तित दे जी न ये बोलना चाहते पूर्व ऐसा भी प्रवर्तित नहीं होता ये बात नहीं है क्यों क्योंकि देखिए लिखित पाठादि जनित विद्या तन्निर्वहना ये है ये अभी मैंने जो कहा अभी लिखित पाठ से विद्या प्राप्त नहीं करना है करके कहीं निषेध नहीं मिलता तो समझे यही है बाकी तो उपनयन विधान नहीं है उपनयन नहीं किया गुरु के पास गया है नहीं अध्ययन नहीं किया वो उनको नहीं हुआ ये ठीक है लेकिन लिखा हुआ पढ़ करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा कहीं वेद में मिलता ही नहीं है ऐसा कहीं निषेध वाक्य नहीं मिलता इसलिए हम लिखित पाठ को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करेंगे ये कहना चाह रहे हैं निषिद्ध होगा तब भाग लगेगा ना निषिद्ध है नहीं अभी जैसे आप जो है यूट्यूब आदि से सुनते हैं अब कहां निषेध प्राप्त होता है क्या यूट्यूब से वेद मंत्र नहीं सुनना चाहिए ऐसा कहीं लिखा है क्या वो लिखा ही नहीं गुरु से सुनना चाहिए ये लिखा है लेकिन सीडी से मोबाइल से या यूट्यूब से जो भी आजकल बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं वो सब उच्चारण कुछ भी बात प्राप्त हो जाए सारे वेद का सब उच्चारण करके उसमें डाल रखा है वो आप निकालो तुरंत आ जाएगा वो पढ़ता है पढ़ने के बाद में लोग आके बहुत अभिमान से बोलते हैं कि हम जो है रोज पाठ करते ये करते वो करते कैसे करते वो ऐसे करते तो वो तो है नहीं अब हम समस्या में हो जाएगा कहीं ना हमको प्रश्न भी पूछते हैं जब नीचे जाते हैं तो लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है इसका कोई निषेध तो है नहीं तो इसमें तो कोई पाप तो लगेगा नहीं तो प्रयोजन तो है कि दृष्ट फल तो है कि हम सुनने से अर्थ ज्ञान हो रहा है अर्थ ज्ञान से कार्य कर रहे हैं कई लोग दवाई कर रहे हैं दवाई यूट्यूब में जो दवाइयां बताते हैं वो दवाई करते हैं रोग भी ठीक हो रहा है अब प्रयोजन नहीं है कैसे कह सकते आप उसका निषेध भी नहीं है प्रयोजन भी है ऐसे स्थिति में ये समस्या तो एक ने किसी संत से ऐसा प्रश्न किया था आजकल बहुत इसे हो रहा है जैसे हम लोग जो बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए कम से कम आजादी से एक बात सुनने के बाद में आप दोबारा सुनिए वो बात अलग है दोबारा सुनिए आपको सारी प्रक्रियाएं आ गई आप जो है आचार्य के सानिध्य में रह करके अध्ययन करने के बाद में दोबारा सुन रहे आवृत्ति तो किसी प्रकार आप कर सकते हैं
तो ये सुनना सही है गलत है किसने पूछा? तो वो संदेह ने ऐसा उत्तर दिया कि ये प्रश्न मेरे से क्यों पूछ रहा है? आप YouTube से सुनते हो, YouTube से समझते हो, और समझने के बाद प्रश्न आके मेरे को पूछते हो, YouTube को भी पूछो ना। देखिए बिल्कुल क्लियर है उसमें कि आपको वहां समस्या हो रही है, समस्या का समाधान मैं जिंदा आदमी दू और वो आप बाकी सब वहां करेंगे, दक्षिणा उसको चढ़ाएंगे, मतलब वो क्या होता है नाम है गूगल को, आप दक्षिणा उनको चढ़ाएंगे और प्रश्न का उत्तर हम देना है। उनको ही पूछो, उनको ही उत्तर जान लो। तब इसलिए उन्होंने ऐसे शुरू कर दिया। अब उनको ही आप पूछ सकते, वो भी व्यवस्था है, वहां प्रश्न पूछो तो कोई ना कोई आपको उत्तर देगा, जैसा भी देगा जो भी देगा जैसा भी होता। तो ये बात है, इसीलिए जिंदा आदमी का वो अलग होता है, वो नियम है। अब जिंदा आदमी के लिए कहा गया उनसे अध्ययन करना चाहिए, सब करना चाहिए कहा गया, लेकिन ये जो बात टीका कर कह रहे ना, उन्होंने वो सोच समझ के बोला, ऐसा तर्क लोग करते हैं। तो लिखित पाठ करने से उससे पाप होता है वो गलत है, ऐसा कहाँ कहा, कहीं नहीं कहा, इसीलिए वो लिखित पाठ से पढ़ करके समझ लेगा, आप रोक नहीं सकते उनको। उसके लिए उपनयन शास्त्र नहीं चाहिए था, उपनयन शास्त्र के लिए वेदारंभ के लिए चाहिए। वेदारंभ क्या है? गुरु के सामने होता है और गुरु उसको वेदारंभ कराते हैं, वो अभिषेक आदि करा के उनको करते हैं। तो इधर तो वो जरूरत है नहीं, लिखित पाठ के लिए वेदारंभ करना चाहिए, उपनयन करना चाहिए, कहीं कहा नहीं, इसीलिए इसका कोई तात्पर्य नहीं लिखित पाठ से हो जाए। उस समय लिखित पाठ ही था, आगे यूट्यूब वाला तो नहीं था, इसलिए उन्होंने इसके बोला, इससे आप बाकी भी समझ लेना। अभी जो जो है ऐसा प्रश्न किया तो उसके मतलब पूर्ववर्ती स्वयं उसको उत्तर दिया, उसका कोई निषेध नहीं होने से उससे उनको ज्ञान हो जाएगा। तो भाष्यकार तो ज्ञानी है, त्रिकाल ज्ञानी है, वो आगे पीछे का सब जानते, तो सारे को मिला करके उन्होंने ये पंक्ति बता दिया। शास्त्रीयस्य सामर्थ्यस्य एक शास्त्रीय अर्थे, शास्त्रीय सामर्थ्य के लिए शास्त्रीय ज्ञान ही विशेष होता है। तो शास्त्रीय अर्थे शास्त्रीयस्य सामर्थ्यस्य अपेक्षितत्वा और शास्त्रीयस्य च सामर्थ्यस्य अध्ययन निराकरणेन निराकृतत्वा। शास्त्रीय सामर्थ्य के लिए शास्त्रीय ज्ञान चाहिए, वो जैसे शास्त्र ने बताया वैसे चाहिए, और वो सामर्थ्य का निराकरण शास्त्रीय अध्ययन के निराकरण से हो जाता है, इसीलिए उस प्रकार से उनका अध्ययन विधि से नहीं कर सकते। और बाकी जो आप करना चाहते हैं जैसा भी करना वो आप अपने आप करिए, फिर टीकाकार इसका उत्तर देगी, टीकाकार ने जो प्रश्न उठाया टीकाकार उसका समाधान भी देगी। समय हो गया।